नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना काल से पहले हर वर्ष दशहरा के मौके पर पटना के गांधी मैदान में बड़े स्तर रावण, मेघनाथ सहित कुंभकर्ण की जो पुतला था उसको जलाया जाता था, दशहरा मनाया जाता था, लोगों में बहुत उत्साह रहता था। और अगर गांधी मैदान की बात करें तो पूरा का पूरा गांधी मैदान लोगों से भरा रहता था, लोगों का उत्साह, लोगों का हुजूम और लोगों का भीड़ देखने को मिलती थी। लेकिन बीते दो वर्ष से कोरोना काल की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि दशहरा पूजा भी नहीं मनाई जा रही थी, ना कोई मेला लग रहा था। लेकिन इस बार जब कोरोना का पहली लहर और दूसरी लहर के खत्म के बाद, हालांकि तीसरी लहर के आशंकाओं के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ बिहार में मेला देखने के लिए और दशहरा पूजा मनाने के लिए कुछ छूट मिली थी, जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से दुर्गा पूजा मनाया गया था पटना में। कई जगह भव्य पंडाल सजे थे, माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई गई थी। ऐसे में आज दशहरा है और दशहरा के मौके पर गांधी मैदान में जो पुतला जलता था रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का, उस पर तो रोक लगाई गई थी। लेकिन फिर भी जो कमेटी है जो ये चीज़ मनाती है, उसके तरफ से पटना के कालिदास रंगशाला में इस चीज का आयोजन किया गया था। एक दिन पहले यहाँ पर पुतला बनाया गया था जिसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के साथ साथ एक विशेष पुतला को भी जलाया गया। जी हाँ, वो पुतला कोई और नहीं, कोरोना का पुतला था। आप तस्वीरें देखिए सबसे पहले, और ये तीनों पुतला को आग लगाया गया। आज दशहरा के मौके पर यहाँ पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण सहित कोरोना का भी पुतला जलाया गया और साथ ही साथ कोरोना को टाटा बाय बाय कहने का संदेश भी दिया गया। उससे पहले आप वो झांकी देखिए जिस पर राम, सीता, लक्ष्मण सहित हनुमान मौजूद थे और इनकी झांकी निकाली गई। और साथ ही ये गांधी मैदान के एक चक्कर लगाए। गांधी मैदान के एक चक्कर लगाने के बाद लोगों का हुजूम उतना तो नहीं था जैसे कोरोना काल से पहले दशहरा मनाई जाती थी, वो चीज़ तो नहीं दिखी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लोग थे, मीडिया था। और साथ ही एक संदेश दिया गया कि हाँ, कोरोना की वजह से कुछ पाबंदियां तो लगाई गई है, लेकिन फिर भी ऐसे में कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए लंका दहन किया गया है। ऐसे में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण सहित कोरोना का भी पुतला जलाया गया। ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से वो झांकी निकाली गई। झांकी के दौरान राम, सीता जो कलाकार बने हुए थे, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान तीनों मौजूद हैं। ये झांकी निकाली जा रही है, लोग बात कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। हालांकि उत्साह में कोई कमी नहीं है, हालांकि जो कोरोना काल से सब उभरे हैं तो उत्साह तो उतना ही है, लेकिन ऐसे में कुछ चीज़ पे पाबंदियां हैं जिसके कारण जो ये हुजूम है ये आपको गांधी मैदान में ना दिखकर पटना के सड़कों पर थोड़ा बहुत दिख रहा है। और साथ ही आप एक बार फिर से वो तस्वीरें देखिए जिसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के साथ साथ कोरोना का भी पुतला इस बार जलाया गया है। ये कालिदास रंगशाला में इसका आयोजन किया गया था और इसी के दौरान तीनों को जलाया गया, साथ ही कोरोना को दूर भगाने का भी संदेश दिया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।